तो अभी मैं ये स्टील और सीमेंट वालों के कार्टेल के कारण तंग आया हूँ। तो दोस्तों, सीमेंट की दुनिया में भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अंबुजा सीमेंट का अब यहाँ पर एक काफी मैसिव सा प्लान है। दरअसल अब यहाँ पर कंपनी चाहती है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को मैसिवली इंक्रीज कर दे विद 20 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी के साथ। और इस एक्सपेंशन प्लान के लिए टोटल कॉस्ट आने वाली है अ वोपिंग ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज की। वैसे अभी करेंटली इनकी कैपेसिटी देखे तो वो है लगभग 30 मिलियन टन्स पर एनम की, बट ये इस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन को और ज्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए इस तरह के एक्सपेंशन प्लान को अनाउंस कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ये जो एक्सपेंशन प्लान है इनका 10,000 करोड़ रुपीज का, तो मोस्टली इसे 3 से 5 साल का समय तो लग ही जाएगा। अब यहाँ पर भारत की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट की बात चली रही है, तो लेट मी टेल यू, जैसे कि मैंने बताया इसकी करंट कैपेसिटी है 30 मिलियन टन्स पर ईयर की। लेकिन अगर हम इसे नंबर वन पोजीशन से कंपेयर करें जहां अल्ट्राटेक सीमेंट आता है, तो इसकी कैपेसिटी तो इसके आसपास भी नहीं है। अल्ट्राटेक सीमेंट की कैपेसिटी है अ वोपिंग ऑफ 102.75 मिलियन टन्स पर ईयर। तो कैपेसिटी के मामले में तो अल्ट्राटेक सीमेंट बाकी की कंपनी से कई गुना आगे है। और इसी बात का ध्यान देते हुए अब यहाँ पर अंबुजा सीमेंट भी अपने एक्सपेंशन प्लान को ऐलान कर रहा है। अब यहाँ पर राजस्थान में इनकी एक अपकमिंग फैसिलिटी भी आने वाली है इन मारवाड़, और जब ये फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाएगी तो इनकी क्लिंकर कैपेसिटी एनहेंस हो जाएगी बाय 3 मिलियन टन्स पर एनम की, और वहीं पे सीमेंट सेल्स इंप्रूव होगा बाय 5 मिलियन टन्स पर एनम। और ये पूरी तरह से एक ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड प्लांट है जिसे ये 2,350 करोड़ रुपीज के इन्वेस्टमेंट से तैयार कर रहे हैं, और मोस्टली ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई या सितंबर के क्वार्टर में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज तो इनकी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर। इस फैसिलिटी के अलावा अब यहाँ पर ये लोग कुछ ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन का भी प्लान कर रहे हैं इन महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ प्लांट्स। यहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है इनकी जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में, तो उसे भी ये काफी ज्यादा रैपिडली एक्सपांड करें, इसकी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा दें। वैसे इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान कंपनी को एक भारी प्रॉफिट भी हुआ है, विच इज अ वोपिंग ऑफ 71% जंप पिछले साल के लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, जहां पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में उन्हें 554 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में उन्हें 947.21 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो अब मैं आपको एक मजेदार स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन दिखाता हूँ इन सभी कंपनीज का। तो सबसे पहले अगर बात करें मार्केट कैप की, तो यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट का एक काफी बड़ा कब्जा है, 40% से भी ज्यादा मार्केट कैप के साथ ये इंडिया की बिगेस्ट सीमेंट कंपनी है फिलहाल। बट अगर कॉस्ट की बात आए तो इन कंपनीज का नाम टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल नहीं है, ये थोड़े एक्सपेंसिव सीमेंट्स हैं। हाँ, बट श्री सीमेंट का नाम आपको टॉप 5 लिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन अंबुजा और अल्ट्राटेक नो। और इसी रीजन की वजह से, क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है लोकल मार्केट में आते आते, इस पर नितिन जी भी थोड़े भड़क गए थे और उन्होंने सीमेंट कंपनीज को हल्की फटकार भी लगाई थी। आप बताओ, क्योंकि मैं देश का 40% सीमेंट और करीब 30% लोहा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे अभी वर्क ऑर्डर 9 लाख करोड़ के हैं अभी दिए हुए, और अभी 10-11 लाख करोड़ के 2 साल में देंगे। वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड रोड कंस्ट्रक्शन में अभी। तो अभी मैं ये स्टील और सीमेंट वालों के कार्टेल के कारण तंग आया हूँ कि मैं इनको इतना बिजनेस देता हूँ और ये कॉस्टिंग के हिसाब से अब 4,000 रुपये टन का आयरन ओर है और बाजार का भाव है 60,000 रुपये टन और 58,000 रुपये टन। ये बहुत एग्जैगरेटेड है। सीमेंट की बैग बनती है 120 रुपये में और ये करते उसको 350 रुपये में। तो ये देश का गरीब लोगों का शोषण है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर करना, तो ये इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा हटाओ बाजू में, मैं कहूँगा ऐसे ही होगा। अभी मैंने उसकी कमेटी अपॉइंट की कि भाई हम ये कोड वगैरह हम बदलेंगे। अभी सॉइल स्टेबिलाइजेशन में वर्ल्ड में बहुत बड़ा काम हुआ है, तो नेचुरली उससे हमारा रोड अच्छे बन सकते हैं। और प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये कॉयर और जूट का मैट हम यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बाम्बू के भी मैट यूज़ हो सकती है। बाम्बू की इकोनॉमी भी कम से कम 2-1 लाख करोड़ की बन सकती है।